हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो आप देखेंगे कि यहाँ पर जेएस यूनिवर्सिटी का जो ऐप है, ठीक है, वेबसाइट तो सभी यूज करते हैं, लेकिन जो जेएस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन है वो आपको किस प्रकार से यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है। जैसे कि प्ले स्टोर, सिंपली प्ले स्टोर पर जाना होगा आपको। आपने जैसे ऐप स्टोर पर भी जा सकते हैं, ये अवेलेबल है। यहाँ पर आपको सिंपली जाना है जैसे कि प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक जेएस यूनिवर्सिटी के नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगा आपको। ठीक है, जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं, काफी लोगों का डिमांड था इस वीडियो को लेकर, तो हमने इस वीडियो को बनाया। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी जैसे कि जेएस यूनिवर्सिटी के नाम से, देखिए जेएस यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है जैसे कि जेएस यूनिवर्सिटी एक इन्वेंटिव क्रिएशन है। ठीक है, यहाँ पर इसका रिव्यू वगैरह देख सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने रिव्यू मिल जाएगा। और यहाँ से आपको जैसे कि यहाँ पर क्या क्या दिखाया जाएगा इसमें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रूमिंग फीचर लीडर टू एम्पावर द वर्ल्ड, फिर यहाँ पर जेएस यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर जो भी लिखा हुआ है, और इसमें क्या क्या जो भी चीज है, एडमिशन के बारे में, न्यूज के बारे में, फैसिलिटीज, कोर्स, गैलरी और इंक्वायरीज, इनरोलमेंट टाइम टेबल और डिग्री रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद इनका कुछ डिटेल दिया गया है, चांसलर का, पीएचडी चांसलर। ठीक है, इसके बाद ग्लिम्पसेस का यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद एलुमनी स्पीक्स। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर कोर्स के बारे में बताया गया है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन दिया गया, लेकिन हम डायरेक्टली ऐप के अंदर चलते हैं। जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार से ओपन होगा। पहले एक कंडीशन मांगेगा जो कि एला होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर एडमिशन, तो एडमिशन पर क्लिक करते हैं। इसका प्रोसेस आपको पता चलेगा कि यहाँ एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, जैसे कि बैचलर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, बैचलर डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी, अदर डिग्री। तो यहाँ पर काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मिनिमम एडमिशन रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर देखेंगे, प्रोसीजर ऑफ अप्लाई, कैसे आपको प्रोसीजर करना है, ये पूरा यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया है। इसके बाद सिंपल देख सकते हैं कि जो भी पूरा आप डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर है न्यूज। न्यूज में क्या दिया गया है वो भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि पूरा ऐप के बारे में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। ठीक है, जो भी न्यूज है, यहाँ से जो भी न्यूज क्रिएट होती है वो यहाँ पर सब दी जाती है, जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। ठीक है, जो भी हुआ था यूनिवर्सिटी में आज तक वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे डायरेक्टर सर हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, जो इनका नाम है डॉक्टर गौरव यादव। इसके बाद देखेंगे फैसिलिटी। फैसिलिटी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इसका, कि आपको लर्निंग एनवायरमेंट मिलेगा, यहाँ हॉस्टल्स भी है, और यहाँ पर मैस भी है, और मेडिकल फैसिलिटी भी है, ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिला। इसके बाद आप देखेंगे कोर्स। यहाँ पर कोर्स कोर्स में क्या है कि आर्ट एंड सोशल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर इतने दिए गए हैं। ठीक है, हम आईटी या टेक्नोलॉजी पर क्लिक करते हैं। इसमें आपको दिखाया जाएगा कि एजुकेशन क्या क्या है, कि डिप्लोमा है, बीसीए है, बीसीए का पूरा यहाँ पर डिटेल भी दिया गया है, कितना क्या है, सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बीएससी, आईटीसीएस, यहाँ पर एमसीए, और यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन का पीएचडीसीए भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर सिलेबस डाउनलोड होता है तो क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये अपलोडेड नहीं है, तो शायद मिल सकेगा बाद में। तो यहाँ पर इसके बाद आपको गैलरी गैलरी पर क्लिक करना है, जो भी चीजें हैं गैलरी में सेव है, कि क्या क्या यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। जैसे यहाँ पर गैलरी है जो भी कंप्यूटर लैब का, ग्राउंड का, सेमिनार का, ये सभी दिया गया है, लैब्स का दिया गया है। जैसे ये कंप्यूटर लैब का ये फोटो है। ठीक है, लेकिन अब तो बहुत अपडेट हो चुका है पहले से, क्योंकि अपडेट डेली अपडेट ही होता है, देख सकते हैं। इसके बाद क्या है कि इंक्वायरी बाय, अब अप्लाई पर देखते हैं कि अप्लाई आप कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि अप्लाई फॉर, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी है प्रोविजन डिग्री, यहाँ पर जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ से आप कर सकते हैं। स्टूडेंट का नाम डालना होगा, फादर नेम, कोर्स और ईयर और एनरोलमेंट नंबर, यहाँ से सबमिट कर देना। ठीक है,
अब दे सकते हैं स्टूडेंट सपोर्ट, स्टूडेंट सपोर्ट भी है। अगर आप चाहते हैं कुछ सपोर्ट तो आप अपना यहाँ पर नाम डालेंगे, इनरोलमेंट डालेंगे और जो भी है कोर्स है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ईमेल अपना डालेंगे, यहाँ पर आप मैसेज टाइप कर देंगे जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने तो भाई चेक किया हुआ है एनरोलमेंट। अब एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे, देखिएगा एनरोलमेंट पर हम क्लिक करते हैं तो इस पर कोई मान नहीं रहा। इसके बाद आप थोड़ा गैलरी वगैरह इसमें आपको दिखाई दिया, ये मैप देख सकते हैं। मैप दिया गया यहाँ पर कि टॉप रिक्वायर्डर यहाँ पर देखिए जो कंपनियां यहाँ पर दिख रही हैं, सिस्को है, वोडाफोन है, इंफोसिस है, एयरटेल है, अपोलो, IBM, मतलब जो भी है यहाँ पर प्लेसमेंट भी होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।